हेलो दोस्तों, इजी कूल एंटरप्राइज सोडा मशीन कंपनी में आपका स्वागत है। और ये है पेट बोतल सोडा प्लांट, जिसमें बोतल 200 ml से लेकर 2.5-3 लीटर तक की बोतल आप फिलिंग कर सकते हैं सोडा बोतल। और उसके अलावा बिना सोडे का यानी शरबत का बोतल भी आप सिरप बोतल भी भर सकते हैं। इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, पर डे तकरीबन 20,000 बोतल भी आप इसमें निकाल सकते हैं, भर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस बोतल प्लांट मशीन का सेटअप कैसा है। जैसे कि यहाँ पर है ये वॉशर है, यहाँ पर बोतल आप धो सकते हैं। देखिए बोतल कैसे हम वॉश कर सकते हैं, ये देखिए। ये बोतल प्लस हो रहा है, फ्लश करके आप रख सकते हैं। उसके अलावा ये हो गया वॉशर, बोतल धोने का मशीन। उसके अलावा है ये एक्स्ट्रा चिलर जो हमने लगाया है, वो इसलिए कि मशीन में पानी चिल होकर जाए और स्ट्रॉन्ग सोडा बने, ये एक्स्ट्रा चिलर है। उसके अलावा ये हैवी पंप है, ये पंप लगने से प्रेशर बढ़ जाता है। और तकरीबन ज़्यादातर लोग सोडा मशीन का पंप लगाते हैं, लेकिन ये सोडा बोतल प्लांट में हैवी पंप ही लगता है, जिससे सोडा स्ट्रॉन्ग होता है। जो सोडा मशीन का पंप होता है वो इसमें काम नहीं आता है। और ये देखिए यहाँ पर ये कैपर है लेफ्ट साइड, और ये सोडा मशीन है, बोतल फिलिंग प्लांट। और इसके अंदर भी हमने कूलिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम बाहर दिया हुआ है। उसके अलावा ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम बाहर होने से कमरे में गर्मी नहीं होगा बिल्कुल भी, और बढ़िया क्वालिटी में सोडा बनेगा और जल्दी कूलिंग होगा, बिजली का बचत होगा, ठीक है। इसके अलावा दोनों साइड ये देखिए, राइट साइड भी हमने कैपर लगा दिया है, और यहाँ पर ये दो स्विच दिया है, ये सोडा बोतल भरने के लिए है और ये कूलिंग करने के लिए कंप्रेसर का है सिस्टम। और यहाँ पर देखिए ये बोतल फिलिंग होने के बाद कभी इसमें ड्रेनेज में कुछ भी गिरता है तो हमने ड्रेनेज का कनेक्शन भी यहाँ पर लगाया हुआ है, ये देखिए ये ड्रेनेज कनेक्शन है। उसके अलावा यहाँ पर हमने बाहर से ही CO2 गैस का कनेक्शन दिया है, ये दोनों कनेक्शन है ऊपर नीचे, ये दो है सोडा बनाने के लिए कार्बो टैंक में अटैच किया है। और ये दो कनेक्शन जो हमने लगाया है वो